हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू? आज के इस नई वीडियो में हम फाइनल अकाउंट के एक कंप्लीट क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, मैंने अभी एडजस्टमेंट को नहीं लिया है और मैंने इसमें GST पार्ट को भी नहीं लिया है। अभी हम पहले सिंपल क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे हायर लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। हम GST लेवल को भी लेके आएंगे और हम एडजस्टमेंट पार्ट भी करेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर है 22 ऑफ TS ग्रेवाल, पेज नंबर 18.42। अगर आपके पास ये TS ग्रेवाल की बुक है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी है तो मैं एक इसका स्क्रीनशॉट इस वीडियो पे आपको लगा दूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ, धीरे धीरे पढ़ूंगा और फिर हम एंट्रीज इसके अंदर पुट करते चलेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट। हमें फिगर्स दे रखी हैं, अकाउंट हेड की फिगर्स दी हुई हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है और लास्ट में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 इज़ 1 लाख रुपीज़। तो मैं स्टूडेंट्स अभी एक एक अकाउंट हेड को पढ़ूंगा और ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है मैं इसके अंदर पुट करता चलूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले स्टूडेंट्स एक चीज़ बताऊँ, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होता है तो हमको पहले ऐसा नहीं है कि हमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फिर हमने बैलेंस शीट बनानी है। जैसे जैसे जो जो अकाउंट हेड आता रहेगा हम उसके अंदर पुट करते जाएंगे। हमें ऐसा नहीं है कि पहले हमने यहाँ ओपनिंग स्टॉक को ढूंढना है, फिर परचेजेस को ढूंढना है, फिर सेल्स ढूंढना है, इस तरह नहीं करना। एक एक एंट्री को आप पढ़ते चलिए और पुट करते चलिए, उसके बाद हम फाइनल में हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। चलिए पहला है सन्ड्री डेटर्स 15,000। अब देखिए सन्ड्री डेटर्स है ये कहाँ का पार्ट है? करंट एसेट्स है, बैलेंस शीट्स का पार्ट है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं सन्ड्री डेटर्स 15,000। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017, ये ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ आता है? टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से हम एंट्रीज डालते जाएंगे, जिस अकाउंट को पर्टेन करेगी उस अकाउंट में हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग देखिए अब बैलेंस शीट का पार्ट आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड इज 16,000 एंड कैश एट बैंक इज 40,000। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वेजेस 30,000। वेजेस हमारा, हम इसमें परचेजेस की जगह छोड़ देते हैं, फिर हम लिख देते हैं वेजेस 30,000। बिल्स रिसीवेबल 20,000। बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स आइटम है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे BR लिख रहा हूँ लेकिन आपको BR नहीं लिखना, फुल फॉर्मेट लिखना है, बिल्स रिसीवेबल ये है 20,000। इंटरेस्ट 2,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ये डेबिट बैलेंस में लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस किस किस चीज़ का होता है? एसेट्स होती है और एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होता है और ड्राइंग होता है। और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारा लायबिलिटी होती है, रेवेन्यू होता है, गेन होता है, है ना। तो ये इंटरेस्ट जो है हमारा डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो हमें ये एक्सपेंस है हमारा, तो एक्सपेंस हमारा इंटरेस्ट का कहाँ जाएगा? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं, हमारा P&L अकाउंट में जाएगा। P&L अकाउंट हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इंटरेस्ट 2,000 रुपीज़। चलिए आगे चलिए, बैड डेट्स 5,000 रुपीज़, ये भी हमारा P&L अकाउंट का आइटम है, बैड डेट्स। रिपेयर्स ये भी हमारा P&L अकाउंट का आइटम है, रिपेयर्स 3,000 रुपीज़।
ट्रेडिंग अकाउंट में तो स्टूडेंट्स वही 5-6 आइटम्स ही आते हैं, अगर वो मिले तो ठीक है, अदरवाइज जितने भी होंगे वो सब आपके P&L अकाउंट के होंगे। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये देखिए फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये आ गया हमारा एसेट साइड, फर्नीचर ही लिख रहा हूँ मैं अभी, कितने का है 15,000। आगे चलते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, कितना है 10,000। और आगे चलते हैं रेंट, सैलरीज, रेंट है 8,000 रुपीज, सैलरीज है 20,000। रेंट 8,000 और सैलरीज 20,000। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स देखिए ड्राइंग्स कहाँ आएगी, लाइबिलिटीज में, हमारे कैपिटल में से माइनस होगा, हमारा लाइबिलिटीज में सबसे ऊपर हम लिखते हैं कैपिटल। स्टूडेंट्स कोशिश करिएगा कि फॉर्मेट में जो सबसे पहले जैसे कैपिटल आता है उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, जो हमारा नेट प्रॉफिट, हम जहाँ P&L अकाउंट से उठाएंगे प्रॉफिट, फिर हम माइनस में ड्राइंग्स करते हैं। तो हम थोड़ा बहुत फॉर्मेट को हम फॉलो कर सकते हैं और वो करना चाहिए। तो ड्राइंग्स इसमें बताया हुआ है 20,000, हमने अभी इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि हमें कैपिटल नहीं मालूम, हमें प्रॉफिट नहीं मालूम, उसके बाद हम उसको फाइनल कॉलम में ले आएंगे। परचेजेस दी, परचेजेस है 1,00,000 रुपीज, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं परचेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं सारे, $25,000। फिर आता है प्लांट एंड मशीनरी, चल रहा है प्लांट एंड मशीनरी, फिर से हमारा एसेट्स आइटम आ गया फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी ये है 57,000। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्रेडिट साइड में आपको क्या मिलेगी, सेल्स मिलेगा, लाइबिलिटी मिलेगी, कैपिटल मिलेगी, ये चीज़ें मिलेंगी। देखिए कैपिटल मिल गई, सबसे पहले है कैपिटल 2,50,000, तो हम कैपिटल में लिख देते हैं 2,50,000। इंटरेस्ट लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में हमारे रिवेन्यू होता है ना ट्रायल बैलेंस में, तो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में लिखा है, तो इसका मतलब हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो हमारा क्या होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमारे को इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, यहाँ पे सब पे टू लगाना मत भूलना स्टूडेंट्स, टू बाय इंटरेस्ट, ये है 6,000 रुपीज। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, 70,000 रुपीज, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स 70,000। चलिए और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, सेल्स इज 1,70,000, तो सेल्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, हम यहाँ पे लिख देंगे बाय सेल्स 1,70,000। और लास्ट इज बिल्स पेबल, ये है 40,000। बिल्स पेबल हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है, बैलेंस शीट्स में हमारी करंट लायबिलिटी है, तो हम बिल्स पेबल, मैं फिर से यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, स्पेस की कमी और टाइम की कमी की वजह से आपने नहीं लिखना है, पूरा पूरा लिखना है बिल्स पेबल, ये है 40,000। हमारी सारी एंट्रीज हमने कर ली हैं, एक लास्ट एंट्री रह गई है स्टूडेंट्स जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई है क्लोजिंग स्टॉक, वो है 1,00,000 रुपीज़। जैसे कि हमने पहले भी बताया हुआ है कि जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ होता है उसको दो बार एंट्री करना पड़ता है डेबिट और क्रेडिट साइड में, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट्स है तो हम इसको करंट एसेट्स की तरह यहाँ पे भी लेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है 1,00,000 रुपये का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 रुपया और बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखेंगे 1,00,000 रुपया। अब हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ से हमने टोटल करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, और बैलेंस शीट हमारी
अगर मैच कर रही है तो हमारा इसका मतलब सारी पोस्टिंग ठीक है। 270,000 हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल आया है, 270,000। इसमें से अगर आप ये 180,000 माइनस कर दोगे तो 90,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। 2 ग्रॉस प्रॉफिट 90,000, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा? हमारे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब हमने P&L अकाउंट का टोटल करना है, 90,000 साइड लिख दीजिए। हम इन सबको ऐड करके अगर हम माइनस करते हैं तो ये फिगर आ रही है आपकी 23,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट्स 23,000। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? दैट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिख भी सकते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट आया 23,000 हमारा, ये हमारे कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। हमने यहाँ ऐड कर देंगे, हमने पहले ही स्पेस बना के रखा हुआ है इसका। कैपिटल अकाउंट हमारा 250,000 है, इसमें हम 23,000 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 273,000। माइनस में 20,000 कर दीजिए तो 253,000। हमारा सब कुछ काम हो चुका है, अब सिर्फ से हमने बैलेंसिंग करनी है बैलेंस शीट की। हमारा ये बैलेंस टैली होगा तो हमारा इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है, एग्जामिनर से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही कर लिया है। अब हम इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है 363,000। जी हाँ, आप एसेट साइड का भी टोटल करेंगे तो 363,000 टोटल आएगा। हमारी ये बैलेंस शीट मैच कर गई है, इसका मतलब हमारा ये हमने जो पोस्टिंग करी है हमने बिल्कुल ठीक करी है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चंस, बहुत आसान सा क्वेश्चंस था। इसमें हमने सिर्फ से ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग करा है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर। इसमें हमने अभी एडजस्टमेंट्स पार्ट को नहीं लिया है और GST के कंसेप्ट को नहीं लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी GST कंसेप्ट को भी और समझेंगे, तो तब तक आप इसको और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।